किसान भाइयों, ये गेहूँ का पौधा है। आप देखिए कितना अच्छा खड़ा है। मैं आज खेकड़े में हूँ भाइयों, ये 42 इंच पे है। देखिए गन्ना कितना मोटा हो गया। तो ये जो जंगल आपका कहाँ का मानना है, खेकड़ा का मानना जाए कहाँ का? खेकड़ा जी, खेकड़ा। खेकड़ा, अच्छा खेकड़ा। अच्छा, तो ये आपने 42 इंच पे बो रखा जी। जी। बीज कौन सा आयो? बीज 38 है जी। 38। तो यो 0238। एक आंख का बोया था कैसा, मतलब? ये जी एक का आंख का बोया था। और जमीन में खड़ी गाड़ी थी या पट गेरी थी? खड़ी जी, खड़ी। नहीं मतलब खड़ा करना पड़ा था? हाँ जी हाँ। एक आंख जो था वो इतना काट के मशीन द्वारा उसका काट के पहले वो दवाई में भिगोया था, ट्रीट करा फिर वो। तो आंख से आंख की दूरी कितनी रखी गई थी? आंख से आंख की दूरी थी जी 4 इंच। 4 इंच की। बढ़िया खड़ा करना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक धोरे से ही खड़ा है? एक तो एक साइड से खड़ा है। तो कितना बीज लग गया होगा अंदाज कुछ पता हो? इसमें तो जी बीज तो इसमें शायद ऐसे लगा था 4 बीघे में कम ही लगा था। जैसे जैसे बोया कर रहे हैं वो 28 इंच पे 6-7 क्विंटल वो नहीं लगा? ना 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 जी ना, इसका तो 3 क्विंटल का, 3.5 क्विंटल का हिसाब। देखो किसान को अगर 3 क्विंटल भी बीज बच रहा है तो बहुत बढ़िया बचत है। बहुत बढ़िया बचत है, क्योंकि इतना रेट तो बढ़ नहीं पा रहा। ये जगह जो है ये मानो तो बीज ही बच रहा है जी। बीज बच रहा है और इससे जो हवा लगती है तो फसल भी बढ़ती है। फसल भी बढ़ी। अच्छा, पैदावार 28 इंच की ज्यादा हो या यो उसके बराबर होती है अभी? ये 42 इंच की इसकी ज्यादा हो जी। ये ज्यादा है जी जी। और एक फायदा और, अपने खेत में किसान घूम भी सकता है। हाँ जी, कैसे निकल जाओ इससे गन्ना गिरने के भी कम चांस है जी। जैसे नील गाय वगैरह वो नीर रुकते जंगल में, उसको नुकसान नहीं कुछ, वो नहीं क्योंकि उसे दिख जाना किसान को, चमकावो और वो भाग जाओ, वो भाग जाओ जी। और ये गिरता भी नहीं है, बंधाई भी अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया। छोलने भी आराम है इसका, छोलने छिलाई में भी आराम है जी। अगर पोगा भी छुड़वाना हो तो बीच में गांडे गिर लो, बीच में गांडे डाल दो, एक साइड में फूली आ जाएगी। अच्छा, आप पोगा नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते जी पोगा। आप पोगा छोड़ा करो। हाँ जी, तो ये साइड। हाँ, बहुत बढ़िया, कट जाएंगे आराम से। अब आगे चल के देखो कितनी लंबी पोरी है और मोटा भी है गन्ना। तो ये मेरे ख्याल में जितने मार्च अप्रैल में जाएगा पूरा और एवरेज आ जाएगा इसको। अब तो और ही बढ़ेगा, फरवरी ये इधर भाइयों पेड़ी है। हाँ, देखिए भाइयों, एक आँख का गन्ना है, कितना अच्छा खड़ा है, कितना ब्यांत है, एक धोर से गन्ना ही गन्ना है इसमें। अच्छा, ये बीज दूसरा आ गया जी, जी, जी। ये कौन सा जी? ये 82-72। 82-72 जी जी। ये बरी का कुछ है ना? हाँ जी, इसके भी। अच्छा, ये अर्ली में कैसा है सामान? अर्ली में है जी, नया बीज है, अभी थोड़ा समय लगेगा फूलने में। ब्याज तो बहुत है। और ये कौन सा जी? ये भी इधर ब्याज की बात कर रहा है। इधर मोटा लग रहा कुछ, बस खेत का फर्क हो जाएगा। ये बोया कब का? ये गेहूं कटाई में बोया जी, गेहूं कटाई। अच्छा, गेहूं का है, फागण का नहीं है? नहीं, तो ये इसी साल बोया आपने या पहले बोया कभी? नहीं, इसी साल बोया। अच्छा, बीज ये फैक्ट्री वालों ने दिया था? किसने? फैक्ट्री वालों ने। अच्छा, अब 38 के मुकाबले इसमें रोक ज्यादा लगा कम लगा? कम है जी, कम है इसमें। हाँ जी, चलो पता लगेगा आगे चल कर, पैदावार घटेगी या बढ़ेगी? पैदावार घटेगी। हाँ जी, अभी तो ये बरीक रह गया, अगर इसे एक साल हमने मिला के बोल दिया, जगह नहीं पाई निकलने की। इसकी जो आँख है ना छिद्दी बनी थी उस, हाँ जी, इसकी ज्यादा मिला के डाल दी। ब्याज ज़्यादा खड़ा है, थोड़ा सा अगली बार है ना इसे छिद्दा करो, इसे छिद्दा करेंगे। ऐसे मैं पंजाब गया था जी, वहाँ एक अवतार सिंह है सरदार जी, वो गन्ना ऐसा बोते हैं, जैसे ये गन्ना ना हमारा, इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे ना, यहाँ से नहीं जी, फिर यहाँ से काटेंगे। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ से काटेंगे, मतलब आँख का मुँह ऊपर को ना गैप बन जाए। और वे खड़ा बोते हैं, बेड बना के उसकी खूर में पानी देकर साइड में सूखे में बोते हैं, और ये हिस्सा दाबते हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक दबता है जमीन में, यहाँ तक दबता है। और इसकी जड़ में 25 गांडों का ब्यांत था मैंने गिना। अच्छा जी,
और एक आंख बोने के बाद में फिर 4 फुट पर दूसरी आंख है उनका जो बोना है। वे बोते हैं अक्टूबर में 9x यहाँ से लेके वहाँ तक 9 बैठती है, 9x4 पे 80 क्विंटल का एवरेज है उनका। 80 क्विंटल का टोटल। और बीच में वे सब्जी बोते हैं। हम अगर हम सब्जी नहीं बो पाते तो हम ऐसा कर लें 9 का ना बो के 4.5 पे बोले, 4.5 पे बोले, 4.5 पे बो के और 4 की जगह 2 फुट पे बोले आँख।